नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजू यादव। आज हम लोग एक नए जीव विज्ञान के टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं और हमारा टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री, और जिसमें आज हम फिश के बारे में बात करेंगे, मछली के बारे में। आप सभी को पता है हमारी कंट्री में मछली बहुतायत में पाई जाती है, बड़ी संख्या में पाई जाती है। सरकार के द्वारा भी मछली पर बहुत सारे फिश पर अनुदान दिए जा रहे हैं, 60% तक आपको मुआवजा दिया जा रहा है उसका। आप देख पा रहे हैं कि जो सरफेस वाटर है उसमें बहुत अच्छे सोच के रूप में हम मछली को का उत्पादन कर रहे हैं। अगर हम अपने इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की बात करें तो यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में तालाब हैं, रिवर हैं, झीलें हैं, नदियाँ हैं, तो स्पेशली नदियों में फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर की अलग मछलियां हैं, अभी मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा। अब वहीं पर हम बात करें कि हमारा देश जो है कहीं ना कहीं तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना। अगर आप बात करेंगे ईस्टर्न कोस्ट की तो आपका बीओबी बे ऑफ बंगाल है, अगर आप बात करेंगे वेस्टर्न कोस्ट की तो कहीं ना कहीं वहां पर अरेबियन सी है, अगर आप बात करेंगे साउथर्न कोस्ट की तो वहां पर इंडियन ओशियन है। तो इस तरह से हमारा देश एक बहुत बड़े जल के आवरण कह सकते हो आप, या जल की एक बहुत बड़ी एरिया कह सकते हो, ओशियन है बहुत बड़ा। और कहीं ना कहीं वाटर पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया है कि हम 300 किलोमीटर दूर तक जो है फिश को पकड़ सकते हैं। आप जो फ्रेश वाटर है उसमें भी बहुत अच्छे से फिश को जो है आप उसका पालन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम कौन कौन सी फिश का पालन कर सकते हैं, तो जिसमें आपका नाम आएगा सबसे पहले कतला, रोहू, कॉमन कार्प, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिश है। अगर हम बात करेंगे पिसी कल्चर क्या होता है, तो मछलियों को पालना, उनका रियरिंग करना, उनका मैनेजमेंट करना, ये सब पिसी कल्चर कहलाता है। कल्चर फिश क्या है, कल्चर फिशरी क्या है, द रेजिंग ऑफ फिश इन टैंक एंड पॉन्ड। अगर आप टैंक और पॉन्ड में मछलियों का पालन कर रहे हो तो उसे हम कल्चर फिश कहते हैं, कल्चर फिशरी कहते हैं। कैप्चर फिशरी क्या है, मैनेजमेंट ऑफ कैचिंग ऑफ फिश विदाउट रेजिंग देम। हम मछलियों को पकड़ने का जो तरीका है उसका जो मैनेजमेंट है उसे हम कहेंगे कल्चर फिशरी। अब एक्वा कल्चर की बात करेंगे, एक्वेरियम से ये रिलेटेड है, तो रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ यूजफुल एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक फिश, ऑयस्टर, प्रॉन्स, मसल्स इटीसी। तो ये सारे के सारे मछलियों की तरह ही कुछ और भी जीव हैं, ये नॉन कॉर्डेट्स में आएंगे, आप ये ध्यान रखना, ठीक है, हम इनकी स्टडी करेंगे। ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति क्या है, मछलियों के उत्पादन में जो चेंज देखने को मिला है, बड़ी संख्या में मछलियों का जो उत्पादन हुआ है, तो ये ब्लू रिवॉल्यूशन से ही संभव हो पाया है। अब हम बात करेंगे कि हम कौन कौन सी मछलियों का कल्टिवेशन करें, तो फ्रेश वाटर में कौन कौन सी मछलियों का कल्टीवेशन करें उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर कतला, ये आपके जूलॉजिकल नेम है, और यहाँ पे आपका कॉमन नेम है, तो ये कतला जो है कतला का है, रोहू का लेबियो रोहिता, कालबसु का है लेबियो कालबसु, श्रीनस का है मृगला का, मृगला के ये जूलॉजिकल नेम है, ठीक है, और मगूर जो मछली है उसका नाम है क्लेरियस बेट्राकस, ठीक है। तो ये मगूर मछली, ये सारी जो मछलियां हैं ये फ्रेश वाटर की फिश है, फ्रेश वाटर फिश है। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जॉटिक फिश कौन सी है, तो कॉमन कार्प है, फ्रिंगोडॉन्स एडेला, हाइपोथैलेमिक ये है मोलिट्रिक्स, और भी यहाँ पे फिश है जैसे कि मैराइन में सबसे ज्यादा अगर इंडिया में देखी जाती है तो वो है स्कोलियोडॉन डेटिलॉन, जो जिसे हम डॉग फिश भी कहते हैं, कुत्ता मछली भी कहते हैं। बाकी की है हिल्सा है, सालमो है, सार्डिनेला है, हार्पोडॉन है, स्टोमेलियस है, रोस्ट्रेलिगर्स है। तो ये आपकी जो है मेराइन का मतलब है समुद्री जल, जो लवणीय जल कहते हैं, जिसको हम नमकीन जल जो कहते हैं, है ना, उस जल में जो मछलियां पाई जाती हैं वो ये हैं। उसके बाद हम कौन कौन से इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में बात करेंगे, CICFRI, सेंट्रल इनलैंड कैप्चर फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ, ये आपका बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है, CMFRI यानी सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची केरला में है, CIFA
ये आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। उसके बाद हम बात करेंगे डिजीज की। तो डिजीज में सबसे नंबर एक पे आती है फंगल डिजीज, जैसे फंगस फफूंदी कहते हैं। तो क्या करता है, ये गिल्स को रॉट कर देता है। बैक्टीरियल डिजीज में फेंस रॉट, टेल रॉट, ड्रॉपसी, ये सब देखा जाता है। अब इनके बाय प्रोडक्ट क्या है, तो आपको पता है मछलियों का जो लिवर का ऑयल होता है, कहीं ना कहीं सोर्स होता है विटामिन ए डी ई एंड सी का। अब डी एच ए यानी कि डकोसा हेक्सानोइक एसिड, ये आपका फिश फ्लोर यानी कि मछलियों का जो आटा होता है उसमें प्रयोग होता है। तो कहीं ना कहीं आपने थोड़ी सी जानकारी गेट की फिशरी के बारे में। थैंक यू वेरी मच।